लेकर आया है राजस्थान सरकार। और इस खूबसूरत शाम रन एंड कार्निवल फ्लैग ऑफ के साथ हमारे साथ है हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब। प्लीज आगे जाइए, आपको रन पर पार्टिसिपेट करना है रन एंड कार्निवल में। शाम में ये भी है द गाइस मिस्टर मिलिंद सोमा। प्लीज आप लोग चलते रहिए आगे। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से राजस्थान आईटी डे सेलिब्रेशन की खूबसूरत शाम रन एंड कार्निवल। और यहाँ पर हमारे साथ फ्लैग ऑफ के साथ इस खूबसूरत शाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप और हम मिलकर मानिश
तस्वीरें जयपुर से लाइव। आईटी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन जेकेके में, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शिरकत की, साथ ही साथ मुख्य सचिव उषा शर्मा और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी वहां पहुंची। एसीएस अखिल अरोड़ा भी वहां मौजूद और युवाओं में क्रेज नजर आया। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई, कैमरे में इन पलों को कैद किया और यहाँ एक दौड़ लगाई। एक प्रतीकात्मक रूप से हरी झंडी प्रतीकात्मक रूप से एक तरह से दिखाई गई। और क्योंकि 3 दिन तक कई कार्यक्रम होने हैं, तकनीक को लेकर के, नए जॉब्स को लेकर के भी यहाँ एक अच्छा मौका। और ये जयपुर से लाइव तस्वीरें आईटी दिवस पर कॉमर्स राजस्थान और जेकेके में आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और ये तस्वीरें कार्यक्रम से सीधा आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिल्कुल शिखा, और युवाओं के बीच मुख्यमंत्री हैं और टेक रन को फ्लैग ऑफ कर मुख्यमंत्री ने रवाना भी किया है, और खास इसलिए भी युवाओं के लिए क्योंकि युवाओं के लिए जॉब कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर तकनीक और उनके आइडियाज को मुकाम मिलेगा। और हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए हैं, इसी पर अधिक जानकारी देंगे। शिवेंद्र, देखिए तस्वीरें तो देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे हैं, पूरा क्या कार्यक्रम है, क्योंकि 3 दिन तक कार्यक्रम रहने वाला है ये भी सुनने में आ रहा है। बड़ा कार्यक्रम है खासकर आईटी के लिहाज से, और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जो रनिंग कॉम्पिटिशन था उसको हरी झंडी दिखाई है, और उसके बाद जो स्टॉल्स लगी है, जो प्रदर्शनी लगी है, जिसमें कि अलग अलग तरीके के आर्ट और हुनर प्रदर्शित किए गए हैं, उसका जायजा इस समय ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उनके साथ तमाम जो अधिकारी हैं, खासकर एसीएस अखिल अरोड़ा उनके साथ हैं, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी है उषा शर्मा, और जो मंत्री हैं उद्योग मंत्री राजस्थान की शकुंतला रावत, वो भी उनके साथ मौजूद है। और जितनी भी स्टॉल यहाँ पर लगी है, एक एक स्टॉल पर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बारीकी से उनके बारे में पता चल रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ के लोग हैं, क्या उनका इसके लिए मैसेज है, और हर तरह की बातचीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आकर। देखिए, हालांकि हमारे सहयोगी शिवेंद्र लगातार जानकारी दे रहे हैं हमें कार्यक्रम के बारे में, वहां स्टॉल्स लगाई गई हैं ये भी जानकारी सामने आई, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक स्टॉल्स पर जाकर के देख रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि आज आईटी दिवस पर ये कार्यक्रम का आयोजन, और युवा यहाँ अपनी कला की प्रदर्शनी भी करते हुए, स्टॉल्स यहाँ लगाई गई हैं, अपनी कलाकारी को प्रदर्शित करने की कोशिश भी यहाँ की गई है। बिल्कुल शिखा, और फिलहाल युवाओं के बीच मुख्यमंत्री हैं, रन को रवाना कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो स्टॉल्स लगाई गई हैं युवाओं की तरफ से, उसे मुख्यमंत्री देख रहे हैं। हालांकि जो आम लोग वहां पर पहुंचे हैं उनसे भी मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, लेकिन खास युवाओं के लिए है ये कुंभ, जहाँ पर तकनीक आइडिया काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा जो कि रोजगार को इच्छुक हैं, और एक बड़ी समस्या भी है और आज की ज़रूरत भी है, और ये लगातार कोशिश की जाती रही है कि युवाओं के लिए रोजगार कैसे मुहैया कराए जाएं, कैसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को और बढ़ावा दिया जाए, और उसी के मद्देनजर ये एक पहल है, और इसकी तस्वीर सीधे अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 3 दिन तक तकनीक आइडिया जॉब्स के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, और आपको बताएं कि साथ में सीएस उषा शर्मा मौजूद हैं, मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। फिलहाल सभी का अभिवादन मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, और इससे पहले मुख्यमंत्री जब लोगों के बीच पहुंचे तो उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ सी मच गई, और यहां फिलहाल स्टॉल्स को मुख्यमंत्री देख रहे हैं, एक एक स्टॉल्स पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं। फिलहाल 2 तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जो टेक रन को रवाना किया गया उसकी तस्वीर, और दूसरी तस्वीर ये जो मुख्यमंत्री स्टॉल्स पर जा रहे हैं और स्टॉल्स को देख रहे हैं। शिवेंद्र सिंह परमार मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, जरा आप इन तस्वीरों को और बयां करिएगा। स्टॉल तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं जैसा आप बोल रही हैं, और इंदिरा रसोई जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार में, उसकी स्टॉल भी यहाँ पर लगाई गई है, उसका भी उन्होंने अवलोकन किया है। हर जो
विभाग है प्रदेश में जी, हर विभाग ने जवाहरकला केंद्र में अपनी अपनी स्टॉल लगाई है और उनके डिपार्टमेंट में आईटी का क्या यूज है, आईटी किस तरीके से उनके डिपार्टमेंट में इम्पोर्टेंट है, ये समझाने की कोशिश अपने स्टॉल में प्रदर्शनी के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कर रहे हैं। दो अलग विभागों के अधिकारी हैं और अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री हर स्टॉल पर पूरा समय दे रहे हैं, रुक रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि अगर किसी चीज को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है तो क्या उसका उद्देश्य है, किस तरीके से उस विभाग से जुड़े हुए काम आईटी के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, किस किस विभाग की करीबन कितनी स्टॉल्स लगाई गई होंगी यहाँ पर शिवेंद्र? देखिए तकरीबन 2 दर्जन से अधिक स्टॉल है यहाँ पर और हर प्रमुख विभाग है, पशुपालन विभाग भी यहाँ पर है जी, ग्राम पंचायत विभाग भी यहाँ पर, आईटी डिपार्टमेंट कार्यक्रम को कराई रहा है, शिक्षा विभाग की स्टॉल भी यहाँ पर बताई जा रही है जी। इसके अलावा कई जो प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, उन्होंने भी अपनी स्टॉल यहाँ पर लगाई है जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देख रहे हैं। अभी इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक निजी स्टॉल है RC कार ट्रैक रेसिंग जोन, उसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ जैसा मैंने आपको बताया था जी, जो मंत्री हैं शकुंतला रावत और चीफ सेक्रेटरी है उषा शर्मा, वो भी उनके साथ मौजूद है। आईटी डिपार्टमेंट के जो ACS है अखिल अरोड़ा, वो भी उनके साथ मौजूद है जी। बिल्कुल शिवेंद्र, और फिलहाल क्योंकि देखिए युवाओं के लिए ये कार्यक्रम है, युवाओं के लिए बेहद खास है और ऐसे में युवा कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं? युवाओं की काफी भीड़ मौजूद है, खासकर अभी जब जो रनिंग कॉम्पिटिशन था उसको जब हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो उसमें बड़ी तादाद में मौजूदगी थी युवाओं, जो JLN मार्ग पर दौड़ रहे हैं सत्यसाई रोड तक और जो अभी स्टॉल में भी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घूम रहे हैं तो यहाँ भी बड़ी संख्या में जो यूथ है वो मौजूद है मुख्यमंत्री को देखने के लिए भी कह सकते हैं, उनके साथ फोटो जो सेल्फी लेने के लिए भी लोगों के साथ। बिल्कुल, और शिवेंद्र क्या कोई अपडेट आपके पास है, अभी कितना देर और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में रुकने वाले हैं? देखिए मुख्यमंत्री अभी तकरीबन आधे घंटे और इस कार्यक्रम पे रुक सकते हैं क्योंकि जितनी भी स्टॉल जवाहरकला केंद्र में है वहाँ सब जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँच रहे हैं और इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पंचायती राज विभाग की स्टॉल है जिसमें की जो ग्राम सभा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, बाकायदा जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा का आयोजन होता है उसी तरीके का सेटअप यहाँ पर पूरा लगाया गया है और उस सेटअप के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं, जो लोग वहां पर हैं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या जो ग्राम पंचायत है गांवों में, खासकर जो पंचायती राज विभाग है, वो किस तरीके से आईटी से जुड़े हैं, उनको आगे ले जा रहा है, आईटी के जरिए कितने लोगों को मदद मिल पा रही है, इसके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी पूछ रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, शिखा को इस वक्त आप सुन रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। शिवेंद्र, मेरा सवाल आपसे यहाँ ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पहुंचे हैं जिस कार्यक्रम में, आईटी दिवस का आज मौका है, तो क्या हर वर्ष इस तरह से आईटी दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं या फिर इस बार कोई नवाचार यहाँ किया गया है, क्या क्या कार्यक्रम में इस बार खास है जो इससे पहले नहीं देखा गया है? जो इस तरीके के कार्यक्रम है वो हर साल आयोजित किए जाते हैं और एक समय ऐसा था जब आईटी के क्षेत्र में जो राजस्थान था उसकी जो पहचान थी वो पिछड़े राज्यों के तौर पर होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खासा फोकस रहा है आईटी सेक्टर में और आप देखेंगे कि साल दर साल खासकर जो मौजूदा कार्यकाल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जब चौथा वर्ष चल रहा है इस सरकार का, उस कार्यकाल में जो मौजूदा कार्यकाल है जिसमें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत फोकस किया है आईटी से जुड़े कामों में, हर विभाग में उन्होंने कोशिश की है कि आईटी के जरिए लोगों तक जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जो सुविधाएं हैं वो पहुंच पाए और उसमें जो सरकार है वो काफी हद तक कामयाब भी रही है, तो ये मंशा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कि अधिक से अधिक आईटी का प्रयोग हो और जो सरकारी स्कीम्स हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका सही तरीके से लोगों तक उनकी पहुँच हो पाए। शिवेंद्र, एक और सवाल, क्योंकि जो कार्यक्रम है इसके द्वारा किस तरह से रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ उठाया है रोजगार का। अब देखिए युवा भी रोजगार का जब नाम आता है तो एक उनके मन में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि रोजगार की बात यहाँ की जा रही है लेकिन रोजगार उन्हें मिलेगा कैसे, तो कैसे पूरा एक पैटर्न यहाँ बनाया गया है और कैसे मदद करेगा युवाओं को रोजगार के अवसर तलाश करने में? कह सकते हैं कि अच्छे स्किल्ड वाले युवा नहीं है, खासकर जिन्होंने 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई की है और उनको बड़ी कंपनियों की नौकरी लेने में, अच्छे नौकरी लेने में कठिनाई होती है, उनके लिए अवसर पैदा हो इसलिए
इस तरीके के इवेंट रखे गए हैं और उसमें बड़ी संख्या में जो यूथ हैं, जो बेरोजगार हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि कोशिश यही है सरकार की कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकें, जिससे कि जो बेरोजगारी की समस्या है प्रदेश में वो खत्म हो। शिवेंद्र, एक सवाल ये भी है शिवेंद्र, क्योंकि हर बार इस तरीके से जब जॉब फेयर होते हैं तो बाकायदा एक टारगेट रखा जाता है, इस जॉब फेयर का भी कुछ टारगेट रखा गया है युवाओं को रोजगार के लिए? यही है कि अधिक से अधिक युवाओं तक इसकी पहुंच हो और जो जरूरतमंद युवा हैं, जो पात्रता रखते हैं, जो योग्यता रखते हैं, उनको रोजगार मिले, ये कोशिश मुख्यमंत्री गहलोत और उनकी सरकार की है। जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उससे लग भी रहा है कि सरकार अपने इस मिशन में, इस अभियान में सफल होती देखी। बिल्कुल। अब शिवेंद्र, हम चाहेंगे जरा ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोग किस तरीके से आतुर हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, इन तस्वीरों के बारे में बताइएगा आप कुछ अपडेट वहां पर, किस स्टॉल पर मुख्यमंत्री हैं? देखिए, जहां से भी मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की एक झलक को देख सके, मुख्यमंत्री के साथ फोटो ले सके, मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ले सके, और मुख्यमंत्री भी किसी को निराश नहीं कर रहे। उन्होंने बड़ी संख्या में जो यूथ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ सेल्फी भी ली है, हाथ भी मिलाया है, सबसे अच्छी मुलाकात भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो काफी क्रेज है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जवाहरकला केंद्र में और बड़ी तादाद में लोग उनसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, तस्वीरें तो हम देख ही पा रहे हैं। शिवेंद्र, यहाँ एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि स्टॉल्स लगाई गई है वहाँ, ये तो आपने जानकारी दी ही, इसके अलावा और क्या क्या वहाँ खास है? क्योंकि अभी हमने देखा किस तरह से हरी झंडी दिखाई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टैक रन को, और इसके बाद क्या कार्यक्रम रहने वाला है पूरा? देखिए, 3 दिन का ये इवेंट है, प्रदर्शनी आम जन के लिए भी खोली गई है, कोई भी व्यक्ति आकर इन प्रदर्शनी को देख सकता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी स्टोर ऐसी है दिखा जहाँ पे आप घर के जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं, तो ये कह सकते हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आने वाले जो 2 दिन है उन 2 दिनों में बड़ी संख्या में आम लोग भी यहाँ पहुंचेंगे और जो स्टोर लगी है, जो इनिशिएटिव किया है IT विभाग ने, उसको देखेंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, देख रहे हैं हम तस्वीरें, 3 तस्वीरें, लेकिन उत्साह एक जैसा सभी तस्वीरों में। चलिए देखिए, आपके साथ कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें साझा कर रहे हैं जयपुर से लाइव कार्यक्रम, क्योंकि IT दिवस का ये मौका खास, और जिस तरह से सहयोगी शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े लगातार जानकारी दे रहे हैं कि हर साल ही इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं क्योंकि वहां स्टॉल्स लगाई गई हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक स्टॉल पर जा रहे हैं, बाकायदा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक स्टॉल पर जाकर वहां ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि समझ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और स्टॉल्स लगाई गई है उन युवाओं से, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या खास है यहाँ। बिल्कुल शिखा, और देखिए ये जो जॉब फेयर होते हैं बेहद खास होते हैं, क्योंकि युवाओं को उम्मीद होती है कि उनकी जो तकनीक है, उनके जो आइडिया हैं, उनको मुकाम मिलेगा, और यहाँ पर इसी सोच के साथ इस जॉब फेयर का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी युवा ले रहे हैं, और खास इसलिए भी है क्योंकि कई कंपनियाँ इस जॉब फेयर में हिस्सा ले रही हैं जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने वाली हैं। सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को, 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर टेक रन को रवाना किया गया, दूसरी तस्वीर, ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री युवाओं के बीच कार्यक्रम का शुभारंभ और स्टॉल्स का, स्टॉल को मुख्यमंत्री ने देखा भी है स्टॉल्स को, और देखिए कार्यक्रम से संभवतः मुख्यमंत्री अब बाहर आ रहे हैं, और यहाँ से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम से रवाना हो पा रहे होंगे, और ये तस्वीर युवाओं की दौड़ते हुए आप देख रहे हैं, और कहते हैं कि वॉक अच्छी होती है आपके स्वास्थ्य के लिए, और यहाँ पर सबसे पहले टैक रन को रवाना किया गया और उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ, मुख्यमंत्री कार्यक्रम से रवाना होते हुए, सीधी तस्वीर जयपुर से आपके साथ। तो 3 दिन तक ये जॉब फेयर चलने वाला है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव उषा शर्मा भी शिरकत कर रही है, साथ ही साथ मंत्री शकुंतला रावत को भी आपने देखा, लेकिन ये तस्वीर है बहुत खास क्योंकि जो बड़ी संख्या में लोग बाहर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे, और देखिए उनका हाथ हिलाकर अभिवादन मुख्यमंत्री
स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो युवा मौजूद थे उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली, लेकिन बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, इकट्ठा हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री बाहर निकले, लोगों से वन टू वन बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कहा जा रहा है सुनिए। आईटी हमारी पार्टी में है और पूरे देश में नंबर वन बनने जा रहे हैं हम लोग। आईटी में गवर्नेंस होगी राजस्थान के अंदर। हमने पिछली बार जो है सरकार थी हमारी, तो मैंने 3% बजट रखा था आईटी के लिए, उसका परिणाम आज हम नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पर, उसी का परिणाम है कि हमने 3% बजट हर विभाग का रखा था। आज हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। राजीव गांधी के नाम से संस्थाएँ खड़ी हो रही है जयपुर में, जोधपुर में, सब जगह है। आप देखेंगे आने वाले वक्त में हमारी पूरी गवर्नेंस जो है वो आईटी बेच होगी। सर, एक समय ऐसा था जब राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ था आईटी में, लेकिन आज मॉडल स्टेट बना है सर राजस्थान आईटी के क्षेत्र में। इस बात का मैं गर्व है और लोगों में रुझान पैदा हो रहा है, इसीलिए हम नौजवानों को लैपटॉप देना है, जर्नलिस्ट को देना है। अभी अधिकारियों का हमने फैसला किया है, तमाम विभागों के अधिकारी गाँव में तहसीलों में काम करते हैं सबको लैपटॉप वगैरह दे रहे, हम लोग आईपैड दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, ये तमाम उस दिशा में जा रहे हैं हम लोग। तो आई टी बेस्ड गवर्नेंस की तरफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज जो ये माहौल दिख रहा है आपको, इससे राजस्थान भर का नौजवान जो है वो उत्साहित हो रहा है, स्टार्टअप वाले आगे आ रहे हैं, सभी जगह आई टी का एक माहौल बन रहा है, वो हमारे लिए आने वाले वक्त में सुकून का काम करेगा। धन्यवाद। अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आई टी बेस्ड गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है राजस्थान, और जिक्र किया कि बजट में किस तरह से सौगात दी गई खासतौर पर आईटी क्षेत्र को। तस्वीरें कार्यक्रम से रवाना होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आईटी दिवस पर जेकेके में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तस्वीरें साझा की किस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे और अब वहां से रवाना हुआ।